राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गोरखपुर मंडल ईटीसी मिनी पीआईसीयू पीआईसीयू प्रभारियों का प्रशिक्षण मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में तारामंडल स्थित एनएक्सी भवन में किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में जितने भी ईटीसी हॉस्पिटल के चिकित्सा अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया है, जिससे गोरखपुर मंडल में एनसेफेलाइटिस के मरीजों का बीमारी से रक्षा किया जा सके। वहीं जेई एवं AES के नोडल अधिकारी डॉक्टर बी के श्रीवास्तव ने बताया कि मंडल में 8 मिनी PICU और 4 PICU हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष अभियान भी है कि एनसेफेलाइटिस को पूरे क्षेत्र से उखाड़ फेंकना है। एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारी को रोकने के लिए दस्तक अभियान, संचारी रोग जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा पीड़ित होता है तो उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सही ढंग से इलाज मिल जाए, यही हमारा पूरा प्रयास है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, एडी हेल्थ डॉक्टर रमेश गोयल सहित मंडल के सभी जिला चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जेई एवं AES के नोडल अधिकारी डॉक्टर वी के श्रीवास्तव एवं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जैसे आप सब बता रहे थे, ये सारे पिक्चर से दिमागी बुखार से प्रभावित कुछ मरीजों के नियर बाय आवासीय परिसर में क्या क्या हमें मिला। जैसे आप देख पा रहे हैं कि काफी सारे वेरी ऑब्जर्वेबल, अगर हैंडपंप देख रहे हैं तो हैंडपंप के बगल में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगल बगल में पानी मिलना बहुत ही आम है, काफी इंपॉर्टेंट जैसे हम बात आगे करने वाले, क्योंकि हम हमेशा अगर सिर्फ जेई या स्क्रफ टाइफस से पे ही फोकस करें तो काफी सारे, जैसे हम कुछ स्लाइड्स आगे भी देखेंगे और पिछले स्लाइड्स में भी हमने देखा हुआ कि सिर्फ जेई और स्क्रफ टाइफस जो भी कॉमन रीजन से AES के, जैसे जेई स्क्रफ टाइफस रीजन, तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अंडरस्टैंड दी इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रफ टाइफस, जो स्क्रफ टाइफस पॉजिटिविटी इन AES केसेस पर परसेंट, ये NIV का डाटा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहां भी उन्होंने देखा है कि स्क्रफ टाइफस पॉजिटिविटी वाज 59% ऑलमोस्ट मोर देन ऑल परसेंटेज NIV ने भी सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट किया, दैट इज 72%। ओके, सो ऑफ कोर्स सो वी शुड आल्सो गिव अ थॉट और अदर वी शुड सीरियसली थिंक अबाउट इन जापान ओनली, तो जेई भी जापान में सबसे पहले मिला था और स्क्रफ टाइफस सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जापान में ही इन 1899। सीवियरिटी काफ़ी अलग अलग होती है, वेरिएबल सीवियरिटी है। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग बाय ऑर्थोपोड वेक्टर, दैट इज ट्रॉबिकुलरली फैमिली टू इट्स बाइट, फीवर विथ स्टूपर, ठीक है, जिसमें अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है, बुखार के साथ अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाता है, दैट इज टाइफस एंड ठीक है जो वेक्टर है, ऐसे ये स्क्रफ टाइफस जो फैलता है सुसुगामी। डॉक्टर वी के श्रीवास्तव नोडल ऑफिसर JAS गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में हमारे जितने भी ब्लॉक लेवल पे ETC यानी इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, हमारे मंडल में 8 मिनी PICU हैं और 4 PICU हैं। इनके सारे जितने इंचार्जेज हैं डॉक्टर्स हमारे, उनका एक प्रशिक्षण बृहद एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, जिसमें उनको चिकित्सा से लेकर के वहाँ पे कैसे ETC को मैनेज करना है, कोई पेशेंट आ रहा है कैसे उसकी जांच करानी है, इसी विषय पे विशेषज्ञों द्वारा जिसमें हमारे BRD मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर KP कुशवाहा, एम्स के SPM डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हमारे RMRC के साइंटिस्ट, मतलब बहुत ही एक टेक्निकल लोगों को बुला करके एक प्रशिक्षण एक दिवसीय रखा गया है, जिससे कि हम इस साल और बेहतर ढंग से अपनी फंक्शनिंग को कर सकें और हमारी ETC बेहतर काम करे, कम से कम बच्चे यहाँ इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित हो और जो भी अगर पीड़ित दुर्भाग्य से हो रहे तो उनका भरपूर पूरी तरह से हम इलाज ब्लॉक लेवल पर शुरू कर सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का आयोजन किया गया है। सर उद्देश्य क्या होगा इसका? उद्देश्य यही है कि हम इंसेफ्लाइटिस को इस पूरे क्षेत्र से हमको उखाड़ फेंकना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष इसको लेकर के उनकी अभियान भी है और उनका ये मोटो भी है कि हमको किसी तरह से इस इंसेफ्लाइटिस को यहाँ से ख़त्म करना है। तो इंसेफ्लाइटिस बीमारी को हम दो तरीके से हमको हैंडल करना है, एक तो एक बीमारी होने ना पाए,
तो होने न पाए इसके लिए दस्तक अभियान, संचारी रोग माँ आदि अभियान सारे चलाए जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कोई बच्चा अगर पीड़ित हो जा रहा है, उसको इंसेफ्लाइटिस हो जा रहा है, तो उसको तत्काल जहाँ है वो बच्चा रहता है, जिस घर में रहता है, उसके निकट के स्वास्थ्य केंद्र पे हमारे ETC पे ही उसका इलाज पूरी तरह से शुरू हो जाए, यह प्रयास हमारा है। और इससे ये होगा कि बच्चे की जान को हम बचा सकेंगे, सही समय पे सही इलाज होगा तो बच्चे में ना कोई डिसेबिलिटी आएगी और ना ही उसके मृत्यु की कोई संभावना रहेगी। तो ये हमारा प्रयास है कि हम बेहतर इलाज भी उनका कर सकें। आज यहाँ पर मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जनपद में जितने भी ETC हॉस्पिटल्स थे उनके चिकित्सा अधिकारियों को एक रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स के द्वारा, विशेष रूप से ट्रेंड चिकित्सकों के द्वारा इन लोगों को पुनः ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि हम ASJE के मरीजों को गोरखपुर मंडल में रक्षा कर सकें। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर सकें और इस महामारी से लोगों को बचा सकें।